नमस्कार। इस वीडियो में हम पुट्टी लगाने के बारे में सीखेंगे। डिग्री सिंह खत्म हो गया, डिग्री सिंह के बाद हम पुट्टी लगाएंगे। आइए पूछते हैं, ये पुट्टी क्या चीज़ है, कैसे बनती है? ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये क्या है? ये दो डब्बे में रखे हैं, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है? ये पोलिस्टर पुट्टी है 759R और ये इसका हार्डनर है 762R। ये पुट्टी अपन जब बनाएंगे तो ये हार्डनर पुट्टी में मिलाना पड़ता है। अगर अपन बिगर उसके पुट्टी भरेंगे तो पुट्टी सूखेगी नहीं। ये हार्डनर है, ये पुट्टी को हार्ड करता है। तो इसमें क्या कोई रेशियो वगैरह है कि इतने में इतना हार्डनर डालना है? ऐसा कोई स्पेसिफिक मात्रा में डालना है, ऐसा कुछ रेशियो है इसमें? जी सर, 100 ग्राम में 2 ग्राम, उसके से 2-2.5 ग्राम। जी सर। तो इसको मिक्सिंग के लिए कैसे करते हैं? मतलब 100 ग्राम आप ये जो पुट्टी रखी है उसमें 2 ग्राम, बाकी ऐसा एक प्रोसीजर रहा है 100 ग्राम का, बाकी अपने को जैसे थोड़ी सी लगना है तो उस अंदाज से अपन हार्डनेस करने के लिए उसको पुट्टी को अपन हार्डनर मिला सकते हैं। चलिए, तो अभी आप मिक्स करके दिखाएंगे हमें कि कैसे ये मिक्स किया जाता है। हाँ, तो जैसे देख रहे हैं आप, ये पुट्टी का डब्बा है, इसको यूनिवर्सल पॉलिएस्टर पुट्टी कहा जाता है। ये पुट्टी का डब्बा खोल दिया, तो इसको मिक्सिंग करने के लिए हमने अलग से एक प्लेट ले लिया। टूल्स वगैरह हमने देखे हैं, जो पुट्टी निकालने वाले जो टूल्स हैं उसके ज़रिए हम अभी उस डब्बे में से पुट्टी निकाल के इसमें मिक्सिंग करने वाले हैं। एरिया के हिसाब से पुट्टी बनाते हैं, जितने एरिया में जितनी पुट्टी जितनी इस्तेमाल होना है उसी को अंदाज बनाते हैं। तो जितना एरिया है उसके हिसाब से फिर पुट्टी बना के लगाना है। जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने इतना पुट्टी ले लिया, जिस एरिया पे हम अभी काम कर रहे हैं उसके लिए इतना पुट्टी काफी है। जी सर। और उसमें थोड़ा सा हार्डनर मिला रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी हार्डनर मिला ली, और उसके बाद उसका मिक्सिंग करेंगे। और आप ध्यान से देखिए कैसे मिक्सिंग करना है, ये बहुत बारीकी से अच्छे से मिक्स होना ज़रूरी है। तो उसको बड़े अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेते हैं, और हार्डनर के रंग के वजह से पुट्टी का रंग अभी थोड़ा सा बदला हुआ है, हालांकि काफ़ी अच्छे से मिल गए हैं दोनों। और ये पुट्टी हमारी तैयार हो गई और ये पुतने को तैयार हो गई। अब आइए देखते हैं इसको कैसे उस पर लगाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी वो पुट्टी को हम लगा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, एक कोट दिया, फिर उसके ऊपर दूसरा कोट, उसी को ऊपर उठा के तीसरी कोट, कितने अच्छे से उसको पूरा ढक रहे हैं। तो इसमें कोई भी जगह खाली नहीं होना चाहिए, हालांकि सारे जगह पूरे भरने चाहिए। और जहाँ पे हमने डेंट देखी है अभी उसको हम पूरी तरह से पुट्टी लगा के उसके ऊपर हमने भर दिया है। अपन ने कवर करे हैं, अभी इसका फाइनल नहीं करे हैं। तो इसके बाद क्या होगा? अब जैसे हमने पुट्टी लगाया है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इसके बाद पुट्टी पूरी कंप्लीट करने के बाद, पुट्टी पूरी कंप्लीट करने के बाद इसकी कटिंग होती है। कटिंग होती है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए और भी कुछ इसमें काम है अभी पुट्टी में कंप्लीट करने के लिए, कि इतना ही पुट्टी लगेगा और भी पुट्टी लगेंगे इसमें? और पुट्टी लगेगी। ओके, तो कितना पुट्टी इसमें लगेगा? और मतलब और एक दो बार लगाएंगे पूरा ढकने का? दो कोट लगेंगे। चलिए देखते हैं फिर वो दो कोट कैसे लगाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अभी एक एक कोट हो गई है, अभी दूसरी कोट हम तैयार करके लेके आए हैं, फिर से दूसरा कोट लगाएंगे इसमें। देखिए कैसे दूसरी कोट लग रही है इसमें, बड़े अच्छे से उस पर लगा रहे हैं। पूरा एरिया कवर होना चाहिए अच्छे से, ताकि कहीं पे भी कोई भी एरिया छूट ना जाए। तो आप देख सकते हैं कितने बारीकी से, नज़दीकी से वो देख देख के इस पर पुट्टी लगा रहे हैं। ध्यान में रखिए कि पहली कोटिंग जो है वो सूखने के बाद ही दूसरी कोटिंग देनी चाहिए। तो ये अभी दूसरी कोट पूरी हो गई है, अब हम इसको थोड़ा सूखने का इंतजार करेंगे, उसके बाद फिर हम एक और इस पे कोट देंगे।
तो जैसे कि अभी हमने सेकेंड कोट भी दे दिया है, सेकेंड कोट होने के बाद एक बार छू के देखते हैं कि ये जरा सूख गया है कि नहीं। जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल सूख गई है, सूख गई है। तो सूखने के बाद फिर अभी इस पे तीसरा कोट पुट्टी करेंगे। तो यही चीज अपन तीसरे बार, एक और बार फाइनल कोट रहेगी पुट्टी की। आइए देखते हैं तीसरे कोट कैसे करते हैं। तो अभी तीसरी कोट लगने वाली है, चलिए देखते हैं कैसे तीसरा कोट उस पे लगा रहे हैं। बिल्कुल बारीकी से, बहुत अच्छे से उसको सारे जगह पे फैला के कवर करके फाइनल टच दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि पुट्टी लगाने के बाद भी कितना एकदम स्मूथ लग रहा है सरफेस। ये दोनों तरफ से ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों तरफ से इसको खींच देते हैं ताकि ये एकदम स्मूथ हो जाए। और जो एक्स्ट्रा है वो सब साइड से निकाल रहे हैं। ये हो गया आपका तीसरा कोट और फाइनल कोट हो गया है। अब ये तीसरी कोट होने के बाद इसको सूखने के लिए रखेंगे थोड़ी देर, फिर उसके बाद क्या करेंगे? दो चार मिनट सूखने के लिए छोड़ेंगे, फिर उसके बाद सैंडिंग करेंगे, उसके बाद सैंडिंग और कटिंग करेंगे इसके ऊपर। चलिए अब दो चार मिनट इंतज़ार करके देखते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा है अभी तीन कोट पुट्टी लगा दी है। पुट्टी लगाने के बाद आप बिल्कुल देख सकते हैं पूरा ये हार्ड हो चुका है। अब इस पर हम वापस सैंडिंग करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इसमें। तो इसमें कौन से नंबर का पेपर लगाते हैं? सर इसमें 80 नंबर का पेपर लगाते हैं। 80 नंबर का पेपर लगा के उसमें स्टार्ट करेंगे अभी। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि फिर से वही सैंडिंग का जो प्रोसेस है वो उस पर स्पीड वगैरह एडजस्ट करके फिर उस पर सैंडिंग चालू कर रहे हैं। अब सैंडिंग करने के बाद आप देख सकते हैं फिर से वो रंग बदल रहा है। और जैसे ही आप देख रहे हैं उसमें बिल्कुल उसके जो पुट्टी है वो सब निकल रही है। तो अभी आपको जो पुराना डेंट था वो कहीं नजर नहीं आ रहा है इसमें। तो इस तरीके से हमने पूरे जहाँ पे 80 नंबर के पेपर से अपन ने पहले सैंडिंग करे हैं, अब इसको गिट्टक से मिलाया जाएगा। चलिए देखते हैं वो कैसे मिलाते हैं। तो अभी इसमें सैंडिंग होने के बाद अभी नेक्स्ट स्टेप इसमें गिट्टक यूज करके इसको, ये किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अभी? ये गिट्टक है, पुट्टी काटने में इस्तेमाल किया जाता है। पुट्टी काटने में इस्तेमाल किया जाता है। उसमें दो अलग अलग पेपर आप इस्तेमाल करेंगे? कौन से? जी सर, इसमें अभी हम 80 नंबर का पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 80 नंबर का पेपर इस्तेमाल करके उसमें देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। चलिए, स्मूथ करने के लिए हम गिट्टक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ध्यान से देखिए कैसे वो दोनों हाथ से पकड़ के कागज को उस तरफ रख के उसको एक तरीके से घिस रहे हैं जिससे वो पूरा स्मूथ हो जाए। ध्यान में रखें कि सारा एरिया जहाँ पे भी हमने पुट्टी लगाया है वो पूरा एरिया अच्छी तरीके से घिसाई हो जाए।
सर 80 नंबर से हमने मिला लिए हैं, हमने इसको सैंडिंग करे हैं लेकिन हल्के हल्के रेसे आ गए हैं। अब इसको स्मूथ और स्मूथ करने के लिए हम एक पेपर और चलाएंगे, वो है 180 नंबर का पेपर से और इस पर चलाएंगे ताकि और स्मूथ हो जाए। ये 180 का पेपर ले लिया हमने और उसमें गिट्टक के ऊपर रख के उसको उसमें 180 का पेपर यूज़ कर रहे हैं और उसको फिर से हम घिसाई करेंगे। और ये इसलिए कर रहा है ताकि ये और अच्छे से स्मूथ हो जाए। अब आप देख रहे हैं जैसे इसकी पूरी घिसाई हो गई है, तो हाथ से इन्होंने छू के देख लिया कि ये स्मूथ हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये इसी तरीके से हमें मालूम पड़ेगा। और ये भी आपके एक तरीके का आपको तजुर्बा है इसलिए आपको पता है कि कितना घिसाई करना है। जी सर, तो अभी आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल स्मूथ है? जी सर, अभी पूरा स्मूथ है। अभी इसमें हमने 180 का चला दिए हैं, अभी इसमें एक डिस्क पेपर चलाना बाकी है, तो देखते हैं वो अगला जो प्रोसेस है कौन सा पेपर चलाना है इसमें। वो उसमें भी 180 का डिस्क पेपर चलाना है 180 का, तो चलिए उस पर लगा के देखते हैं। तो अभी हमने ये 180 का डिस्क पेपर लगा दिया और उससे फिर से एक और बार हम इसकी सैंडिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं फिर से इसको फाइनल टचअप फिनिशिंग जो हो रही है, 180 के सैंडिंग 180 के पेपर से सैंडिंग की जा रही है। देख सकते हैं हाथ से एक तरीके से वो बिल्कुल देखते जा रहे हैं कि सब जगह बराबर हो रही है कि नहीं। ये सर 180 का इसलिए चलाना पड़ता है कि जो अपन रोल पेपर मारे हैं 180 का, तो उसमें भी स्क्रैचें रह जाती हैं थोड़ी बहुत, तो ये 180 के से पूरी स्क्रैचें ख़त्म हो जाती है। 180 के बाद एक पेपर और मारा जाता है, वो है 400 या 320 का, उससे पूरा स्मूथ हो जाता है एक सा बिल्कुल चिकना। तो इसके बाद एक और पेपर 400 या 320 का पेपर मारेंगे तो एकदम स्मूथ चिकना हो जाता है। तो चलिए देखते हैं वो भी नेक्स्ट स्टेप में उसको मार के फाइनल करते हैं इसको। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये 320 का जो पेपर लेके आए हैं इस पेपर इस पे लगा के एक फाइनल फिनिशिंग टच इसमें देंगे जिसपे वो पूरा चिकना हो जाएगा और एकदम स्मूथ हो जाएगा। इसको लगा लिया है उनने, अभी इस पे लास्ट एक आखिरी बार सैंडिंग कर रहे हैं। उसी तरीके से बिल्कुल हाथ से छू के देख रहे हैं कि क्या है, बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्मूथनेस को चेक करते करते पूरे इलाके में फाइनल टचिंग सैंडिंग कर लिया उन्होंने। आप बिल्कुल देख सकते हैं कि एकदम स्मूथ एकदम चिकना हो गया है। अब ये अगले प्रोसेस के लिए तैयार है। तो अभी इसमें आगे क्या होगा, स्किंग करने के बाद एक बार डिग्रीसर लगाएंगे और उसके बाद सरफेसर चलाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने ये वीडियो देख के पुट्टी लगाना सीख लिया होगा। धन्यवाद।